ध्यान तो रखना चाहिए था ना। लेकिन केतन उसने जानबूझकर तो नहीं किया ना, दूसरे का बच्चा है। देखो माँ जी किस तरह से डांट रही है उसे। सही बात है, वो दूसरे का बच्चा है इसलिए उसकी वजह से हमारे बच्चे को चोट लगी है। ना ये बात माँ बर्दाश्त कर सकती और ना मैं और ना राधिका दीदी। हाँ अगर हमारी वजह से ऋषभ या रिया को चोट लग जाती या उन्हें तकलीफ हो जाती तो दीदी तो हमें नहीं छोड़ती, हमें नहीं बख्शती। और तुम्हें देखो, अगर कल कोई जलजला आ जाए तो तुम अपने बच्चों को चुनोगे या ऋषभ और रिया को? हाँ तुम उसे अकेले छोड़ के गए क्यों? एक तो तुम दोनों भाई बहन का ये चक्कर ही खत्म नहीं होता, मिलके ही पीछे पड़ गए हो मेरे आरुष के। सॉरी। अरे अंग्रेजी ना अंग्रेजों के लिए रखना, सारे हिंदुस्तान में तबाही मचा के चले गए, एक सॉरी सिखा गए। पहले वो तुम्हारी बहन, उसकी वजह से मेरा आरुष घर छोड़ के चला गया था। है वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो अपने घर में वापस आया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारा दिमाग तो मुझे कुछ ठीक लगता था, पर अब तुम इन लड़कियों के चक्कर में पड़ के ना। क्या ऐसी बात नहीं है, वो दीवार पे चढ़ रहा था तो मना नहीं किया जाता था? मैंने मना किया था, मैंने बहुत मना किया था। मैंने कहा था कि बच्चा मैं ले आता हूँ, बॉल। मेरी बात नहीं सुनी उसने दादी, मैंने उसे देखा भी नहीं जब वो दीवार पर। कैसे देखता तू? सेली के साथ मस्त होगा ना? अरे जब सेली को ही मिलने जाना था तो मेरे आरुष को क्यों साथ लेके गया? मैं देख लेती उसे। पता नहीं क्यों भेजा तेरे साथ। केतन के बाऊजी बिल्कुल ठीक कहते थे कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। मजाल है मैंने अपने केतन और उसके भाई को किसी के भरोसे छोड़ा हो कभी? एक खरोच तक नहीं आने दी। और ये आजकल की माए, भेज दिया किसी के साथ भी बच्चे को, इनके लिए तो बच्चे आफत हो गए हैं ना। मैं भी पागलों की तरह बड़बड़ करती जा रही हूँ। फिर लोग कहते हैं उनसे बड़प्पन की उम्मीद की थी मैंने, है? जब अपनी मर्जी करनी हो तब तो बड़े याद नहीं आते, जब पानी सर से निकल जाता है तब बड़ों की याद आती है। भाई बड़े भगवान नहीं होते जो जादू की छड़ी घुमाए और सारी गलतियां ठीक कर दें। पता नहीं कैसा होगा मेरा आरुष। हे भगवान मेरे आरुष को ठीक कर दे, उसकी सारी तकलीफें मुझे दे दे। तुझसे वादा करती हूँ अब मैं उससे अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दूंगी, अपने आंचल में संभाल के रखूंगी। मेरा आरुष तू भी कान खोल के सुन ले इसके साथ। आज के बाद जो तुम दोनों की वजह से मेरे आरुष आलिया को कुछ हुआ ना, तो ऐसा हाल करूंगी तुम दोनों का, तुम्हारी वो रुचिका आंटी भी कुछ नहीं कर सकेगी। याद रखना दोनों। आरुष के पास लेके जा। नहीं मां, डॉक्टर ने हमें भी बाहर निकाला है, उसको बहुत चोट लगी है आंख में, तो डॉक्टर ने कहा है यू टेक यस लॉट ऑफ रेस्ट। तुम जिंदा हो अभी तक? ऋषभ तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने खुद को जज बनाकर खुद को फांसी की सजा दी हो, इसलिए तुम्हें यहां जीता जागता देखकर मैंने तुमसे पूछा ये। गॉडी इट्स माय फॉल्ट, ये सब मेरी वजह से हुआ। ऋषभ ये तुम्हारी गलती नहीं है, वो एक एक्सीडेंट था, जो होना था हो गया, और इसके लिए मैं तुम्हें खुद को सजा देने नहीं दूंगी। याद है ऋषभ, जब हम छोटे थे और मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंची थी, मम्मा पापा ने तुम्हारे साथ साथ मेरा भी उतना ही ख्याल रखा था ताकि मैं खुद को दोषी ना ठहराऊं। याद है मम्मा की बात? याद है मम्मा ने क्या कहा था तब हमसे? अगर दांत जबान को काट देता है तो दांतों को नहीं तोड़ा जाता। यही बात तुम याद रखो। ऐसे ही जीते हैं दुनिया में सारे।
यही तो है रिश्ते हमारे तुम्हारे, है ये जो रिश्ते हमारे तुम्हारे, चलता है जीवन इन्हीं के सहारे है।